तो फ्रेंड्स ये जो अचीवर देख पा रहे हो, हीरो का अचीवर काफी नया है, मतलब उतना पुराना भी नहीं है, BS3 का मॉडल है। तो फ्रेंड्स इसमें क्या है, जो डिस्क प्लेट है थोड़ा सा परेशानी कर रहा है, तो इसका वीडियो मैंने अलग से अपलोड कर दिया था क्या परेशानी है। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एक कैलिपर होता है, इसको हम बढ़िया से वॉश करने वाले हैं। चलिए खोलते हैं, एक एक स्टेप आपको बढ़िया से समझाएंगे। चलिए पहले इसको खोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक भी दे देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कैलिपर अगर आप खोलना चाहते हो तो किस तरह से खोलोगे, ये जो पिन होता है ना, ये लॉक होता है, इसको खोलना पड़ेगा पहले, ये बाहर को खींचना पड़ेगा, फिर ये बाहर आ जाएगा। अब जो ये पिन होता है ये डिस्क पैड को लॉक करके रखता है, इस पिन को हमको इस तरह से ठोकना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये इसको खींचना है, इस साइड से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए निकल लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख लिया, ये यहाँ पर जो लॉक था उस लॉक को हमने निकल लिया। अब निकलने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हल्के बाहर से चोट मारना होगा, मारने के बाद ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये देख पा रहे हो बाहर की तरफ आगे, इसको साइड कर देंगे, अब ये आराम से ये एक्सपेंड बाहर आ जाएगा। अब ये जो है पिस्टन होता है, ठीक है, ये अंदर बाहर होता है। चलिए अब ये इसको भी निकालना होगा, ये देखते कितना जाम होता है या नहीं। ये जाम होता है तो काफी प्रॉब्लम होता है, तो इसको इजी रखना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल इजी रखना चाहिए। जैसे कि देख पा रहे हो काफी जाम है, इस वजह से भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमको बढ़िया से इजी करना है। चलिए थोड़ा सा ठोकते हैं हम इसे आराम से। जैसे कि देख पा रहे फ्रेंड्स काफी ये जाम हो रखा था, निकल रहा है। चलिए फटाफट निकाल लेते हैं। निकल गया जैसे कि फ्रेंड्स, ये रबड़ होता है, रबड़ को भी हम बाहर रख देंगे और सारा कुछ खोल लेंगे। खोलने के बाद एक एक चीज को हम बढ़िया से फिट कर लेंगे, और जो एक पत्ती देख रखा है ना फ्रेंड्स यहाँ पर, ये पत्ती को भी हम निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये रख देंगे साइड में। तो देखिए ये पिस्टन को निकलने के लिए क्या करना होगा, ये जो ब्रेक होता है ना ऊपर का जो ब्रेक होता है उसको हमको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बहुत ही आसानी से निकल रहा है और एक काफी जाम हो रहा है, तो हमको क्या करना होगा, जो आसानी से निकल रहा है इसको दबा के रखना पड़ेगा, फिर जो जाम है इसको निकालना पड़ेगा। चलिए क्या करते हैं, हम एक डिस्क पैड लेंगे, ठीक है, तो इस गाड़ी का नहीं लेना हमको क्योंकि वो खराब हो सकता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है, अब उसको निकालना है हमको। देखिए फ्रेंड्स वो कितना जाम है, ठीक है, हमको इसी तरह से निकालना है, दोनों को मतलब एक ही साथ निकालना है, क्योंकि एक निकल जाएगा पूरा और एक को आपको निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो इसी तरह से आपको निकलना है। चलिए हम निकाल लेते हैं दोनों को, बिल्कुल एक साथ निकलना है, नहीं तो एक पूरा निकल जाएगा तो कंप्रेसर दोबारा नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो अब मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बाहर नहीं आ रहा क्योंकि इसमें जो ऑयल होता है ना फ्रेंड्स, ऑयल खत्म हो गया, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, ऊपर से दोबारा ऑयल को हमको डालना पड़ेगा, ठीक है, और ऑयल का प्रेशर नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, ऊपर का हिस्सा खोलते हैं जहाँ पर डिस्क बॉकेट लगता है उस जगह पे खोलते हैं और ऑयल डालते हैं, दोबारा इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इसको हमने खोल लिया, खोलने के बाद जो देख पा रहा हूँ इस पे ऑयल बिल्कुल भी है नहीं, ठीक है, और ऑयल का प्रेशर नहीं होगा तो ये बाहर नहीं निकलेगा और डिस्क भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो हम फिलहाल ये ऑयल डाल रहे हैं, तो ये ऑयल भी वेस्ट होगा, काफी वेस्ट मतलब ये खराब होने वाला है, तो एक जगह बनाना आपको, उस जगह पे आपको रखना पड़ेगा। चलिए जैसे कि ऑयल हमने डाल दिया, अब दोबारा कोशिश करते हैं डिस्क बॉकेट को निकालने की, जो पिस्टन होता है, ठीक है, सॉरी जो पिस्टन होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। इसको ज्यादा नहीं हिलाना हमको, जब हिलाएंगे तो ये बाहर की तरफ ऑयल गिर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से ये निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे दबा के रखेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे। एक जो पिस्टन है काफी जाम हो रखा है फ्रेंड्स, एक पिस्टन काफी जाम है, ठीक है, तो और एक जो पिस्टन है वो काफी इजी है, इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। चलिए उसको निकालते हैं हम और इसको दबा के रखते हैं, आ जाएगा, थोड़ा सा परेशान होगा, आ जाएगा, ठीक है। पिस्टन जो है काफी हद तक निकल चुका है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल आराम से निकाल लेना, ठीक है, इस तरीके से आपको हिलाना है। तो आप चाहे तो और थोड़ा सा बॉकेट को प्रेस कर सकते हो पिस्टन को, तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो अब मैं उसको निकालता हूँ, जो देख पा रहे हो फ्रेंड्स ऑयल निकल रहा है, तो चाहे आप क्या कर सकते हो,
ये जो ब्रश की मदद से हल्के हाथ से बिल्कुल आराम से इसको पहले निकल रहा है फ्रेंड्स। जैसे कि देख पा रहे पिस्टन हमारा निकल चुका है, इसको भी निकाल लेंगे बिल्कुल आराम से, निकल चुका है वो थोड़ा सा काम था फ्रेंड्स। आप क्या करेंगे, इसमें ऑयल भरा होगा ठीक है, तो ऑयल को हम एक जगह बना लेंगे रखने के लिए, तो वैसे भी काम नहीं आने वाला, ये ऑयल काम नहीं आने वाला। चलिए अब इसको क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे और ये ऑयल जो है आता रहेगा ऊपर से, थोड़ा सा ऑयल वेस्ट होता है वैसे ठीक है। और ये जो ऑयल है फ्रेंड्स काफी खतरनाक होता है, ये जो आपका पिंड होता है पिंड को भी उठा सकता है, तो आपको जहां पे ये ऑयल गिरता है बढ़िया से वॉश कर देना। चलिए अब मैं इसको क्लीन करता हूँ, और दोस्तों क्लीन कैसे करता है वो हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए दोस्त वीडियो में। इसके अंदर में चार ओरिंग होता है, दो नीचे को सॉरी एक नीचे को और इसके भी नीचे और दो ऊपर ठीक है, मतलब दो होता है इसमें दो और इसमें दो, चार होता है टोटल, और दो मोटे वाला होता है और दो पतले वाला होता है। चलिए इसको हम कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे, जैसे कि ये निकल गया, दोबारा इसको हम फिटिंग करेंगे बस वॉश करके, बढ़िया से वॉश करके ठीक है। चलिए इसको भी निकालना देख लेते कैसे, देख पा रहे फ्रेंड्स बिल्कुल आराम से निकलना है, ये रबड़ होता है कहना ये छूट जाए खराब ना हो जाए, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो इसको हमने बढ़िया से वॉश कर लिया ठीक है, तो इसका अंदर में जो दाग होता है दाग पूरा प्रॉपर तरीके से चल जाएगा ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो क्लीन करके बिल्कुल एंड क्लीन कर दिया हमने, और दोस्तों इसमें जो रेगमाल होता है वो 128 नंबर का 280 नंबर का ले सकते हो, मतलब ये बिल्कुल बारीक वाला लेना होगा आपको ठीक है, इससे भी आप नंबर ज्यादा ले सकते हो कोई परेशानी नहीं है, बड़े से आपको क्लीन करना है। तो जैसे कि देखो इसे क्लीन कर दिया फ्रेंड्स, आप क्या करना होगा, ये जो रबड़ होता है ना ये ओरिंग को आपको बिल्कुल भी पेट्रोल से वॉश नहीं करना ठीक है, नहीं तो ये खराब हो सकता है, पेट्रोल से बिल्कुल भी वॉश नहीं करना इसको, बस बड़े से आप इसको वॉश कर सकते हो मतलब कपड़े से पोंछ सकते हो, और बड़े से इसको क्लीन करना होगा, पेट्रोल से बिल्कुल भी नहीं करना इसको। चलिए इसको कर लेंगे करने के बाद, और इसको जो है बड़े से हम इस तरीके से हम कर लेंगे वॉश, जैसे कि देख पाओ कितना गंदगी निकल रहा है, तो दोनों को कर लेंगे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल क्लीन करना चाहिए फ्रेंड्स। चलिए इसको भी बड़े से क्लीन करके फिर मिलता हूँ, सारा कुछ क्लीन कर लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो जितना भी देख पा रहे हो सारा पार्ट्स, इसको भी बड़े से क्लीन करना होगा, रेगमल मारना होगा इसको ठीक है, ग्रीस करना होगा बड़े से, ग्रीस करने के बाद मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि देख पा रहे हो सारा कुछ हमने बढ़िया से बिल्कुल क्लीन करके रखे हुए है, तो ये जो कैलिपर है ना फ्रेंड्स हमने देख पा रहे हो बिल्कुल एंड क्लीन कर दिया पानी वगैरह मार के, ये जो सड़क होता है यहाँ से जो ऑयल निकलता है मतलब ऑइन होता है ठीक है, ऑयल जाता है इस जगह से, और इस साइड में एक सड़क है और इस साइड में अंदर से दो सड़क होता है ठीक है, एक इस साइड को और एक से इस साइड को, तो अंदर जाता है ऑयल, तो उन सड़क को बढ़िया से क्लीन करना होता है, और यहाँ से जो यार निकलता है उसको भी बढ़िया से देखना चाहिए। तो और जो ये जो पिस्टन है इसको तो हमने वॉश कर ही दिया, तो कैसे इसको वॉश करना है वो तो दिखाया फ्रेंड्स ठीक है, तो अब सारा कुछ बढ़िया से वॉश किया, और इस ये देखिए फ्रेंड्स जो ओरिंग है ओरिंग भी सही है, उतना खराब नहीं है ज़्यादा, तो इसी को हम फिट करेंगे, नया नहीं लगाना इसको, चलने के लायक है अभी, और चलिए कैसे फिट करना है वो मैं दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम सबसे पहले कैसे फिटिंग करेंगे, ये जो कैलिपर होता है इसको इस पर हम फिट करेंगे सबसे पहले, क्योंकि बार बार हाथ से ना रखना पड़े ठीक है, तो इसी पर अटकता रहेगा। तो चलिए एक बार दो बार्सल होता है, एक नीचे को और एक ऊपर को ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे फ्रेंड्स एक बार्सल ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ये बार्सल भी काफी इम्पोर्टेंट होता है, इसको बढ़िया से क्लीन करना चाहिए, और जो ये होल देख पा रहे हो फ्रेंड्स इस होल से ऑयल घुस के यहाँ से निकलता है ठीक है। चलिए हम क्या करते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से डाल लेते हैं बिल्कुल आराम से, उसके बाद वॉशर यहाँ पर डाल देंगे ठीक है। तो फ्रेंड्स काफी लंबा हो रहा होगा वीडियो, तो ये वीडियो अगर देख लिया तो पूरा और दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंड्स। चलिए कुछ इस तरीके से हम डाल देंगे, तो बस हो गया कुछ इस तरीके से होता है ये, और थोड़ा सा हम टाइट कर देंगे इसको, तो ये लगा दिया जैसे कि देख पा रहे हो। और दोस्तों ये जो मोटे वाला ओरिंग होता है ना ये मोटे वाला ओरिंग लगाएंगे और इस पे कोई भी ग्रीस या तो इंजन ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, बस सूखा सूखा हम इसको लगाएंगे। चलिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल आराम से डाल देते हैं,
मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ जितना हो सके, ठीक है फ्रेंड्स, दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए इस तरीके से आप डाल सकते हो, जैसे कि फ्रेंड्स डाल गया, ठीक है, बिल्कुल आराम से डाल गया एक, और एक मटे वाला इस साइड को आ जाएगा, तो इस तरह से डाल लेना है हमको। तो ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, इस पे कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाना होना चाहिए, तो बिल्कुल आराम से इसको भी डाल लेता हूँ मैं, जितना हो सके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। मोटे वाला जो होता है नीचे साइड का, दोनों को डाल दिया हमने। अब दोस्तों ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इन दोनों को डालना एक एक करके, एक इसमें आएगा और एक इसमें आएगा, ठीक है। पहले मैं एक को डाल लेता हूँ पहले। चलिए फ्रेंड्स, क्या क्या हमने जो ओरिंग है, ओरिंग को हमने डाल दिया कुछ इस तरीके से, बिल्कुल आराम से, और हाथ लगाकर भी एक बार देख लेना चाहिए सही से बैठा है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा, जेल ग्रीस लगाना होगा, थोड़ा सा आप जेल ग्रीस लगा सकते हो, अगर जेल ग्रीस है तो आपके पास, तो मैं फिलहाल इंजन ऑयल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि देख पा रहे हो फ्रेंड्स, बिल्कुल आराम से चल गया, ठीक है, बिल्कुल आराम से ये चल गया, कुछ इसी तरीके से जाएगा। चलिए इसको भी डाल लेता हूँ मैं। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है फ्रेंड्स, चलिए इसको भी आराम से डाल लेता हूँ मैं। देख पा रहे हो फ्रेंड्स, जा रही है, चलिए दोनों चल गया, ठीक है, बिल्कुल आराम से जाएगा। ये थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा मतलब जाम था हल्का सा, तो कोई परेशान नहीं है, ठीक है। चलिए पूरा चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम ये लगाएंगे, ठीक है, तो जहां से ऑयल मतलब एयर पास होने का जगह है, इसको लगाएंगे, बिल्कुल आराम से लगाएंगे इसको। उसके बाद बड़े से हम फिट करेंगे, फिट करने के बाद देखते क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो पत्ती है, इस पत्ती को कुछ इस तरीके से बिठाना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक रबर होता है, जो कि ये रबर होता है, कुछ इस तरीके से आएगा, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। करने के बाद चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं इंस्टॉल कर देता हूँ। करने के बाद फिर इसमें भी जेल ग्रीस लगाना होता है, ठीक है। जेल ग्रीस है नहीं मेरे पास, तो इसमें सिर्फ नॉर्मल सा ग्रीस लगा देता हूँ मैं, और थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, ऑयल डालेंगे हल्का सा, ठीक है। तो इसमें काफी जाम हो रहा था, इस पे ऑयल डालेंगे, उसके बाद डिस्क पैड फिट कर देंगे हम। तो फ्रेंड्स, ये जो होता है, इसको भी हमने डाल दिया। अब देख पा रहे हो इसमें कितना इजी हो रहा है, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो कितना इजी है फ्रेंड्स। देख पा रहे फ्रेंड्स, ये काफी इजी है, ठीक है, देख लो, ये काफी इजी होना चाहिए। अब डिस्क पैड को बढ़िया से फिट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने फिट कर लिया बढ़िया से, ठीक है। चलिए इस पे इंस्टॉल कर देते हैं। करने के बाद फिर ऊपर से ऑयल डालते हैं बढ़िया से क्लीन करके, जो कि मैं एक बार दिखा देता हूँ। बढ़िया से क्लीन भी हो गया ये इस जगह से। तो चलिए अब क्या करते हैं, काफी देर तक इसको ऑयल लाना होगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्क कलिपर पे ऑयल लाना होगा, क्योंकि ये पूरा सूखा हुआ है, तो कुछ देर टाइम लगेगा। चलिए वो प्रोसेस हम कर लेते हैं यहाँ। फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, हमने इसमें ऑयल एक बार डाल दिया था, डालने के बाद खत्म हो गया था, दोबारा फिर मैंने डाला, डालने के बाद ये भी खत्म होने को जा रहा है, ठीक है। और प्रेशर बनना अभी थोड़ा बाकी है, ठीक है, तो यहाँ से काफी ज्यादा प्रेशर बनेगा। और जैसे कि देख पा रहे हो, जो डिस्क पैड है नहीं दिख रहा शायद, तो डिस्क जो पिस्टन होता है ना, काफी हद तक निकल गया है। अब दोस्तों मैंने क्या किया, ये जो लीवर है यहाँ का, लीवर मैंने खोल दिया। खोलने के बाद जो स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैंने दबा रहा हूँ बॉकेट को, तो उससे क्या होता है, बहुत ही आसानी हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए और थोड़ा सा हार्ड कर लेते हैं ब्रेक को, करने के बाद फिर मैं दिखाता हूँ पूरा कंप्लीट करने के बाद, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर कंप्रेसर बिल्कुल ही बन गया, और जितना चलता जाएगा उतना कंप्रेसर और भी हार्ड होता जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब जो ऑयल बचा है, इसमें और भी ज्यादा ऑयल डालना है हमको, तो आधा ऑयल अभी भी है, मतलब पहले एक बार डाला, फिर मैंने दो बार, एक बार डाला मतलब दो बार,
अब आधा डालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए एक बार क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये जाली वगैरह लगाना है वो बाद में लगाऊंगा। और कुछ बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो कंप्रेसर होता है डिस्क का, बहुत ही जल्दी हो जाता है, और कुछ बार क्या होता है थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तो आप करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक बार क्या करते हैं, पहिया घुमा के एक बार, जैसे कि देख पा रहे हो बिल्कुल बढ़िया से काम कर रहा है, अभी पूरा कस लेते हैं सारा कुछ। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, कंप्रेसर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर आपको घबराना नहीं है, आधा घंटे से ऊपर भी लग सकता है, कुछ बार क्या होता है 5 मिनट में भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको कंप्रेसर बनाते रहना, और एयर जो होता है एयर स्क्रू, इसको मतलब इसको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करना, बस टाइट ही आपको कर देना है। आप ये सोचते होंगे कि अंदर में एयर भरा हुआ, ये सब कुछ भी नहीं है, बस आपको ये टाइट ही रखना है, ढीला बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। चलिए लीवर वगैरह लगा के